भाई साहब, बॉलीवुड ठोकेगा अब आमिर खान को सलाम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आमिर खान की आने वाली है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी पांच फिल्में, जिनसे वो 4,000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की तैयारी है, या इससे ऊपर भी जा सकता है। चाइना को मिला के तो कहीं कहीं भी जा सकता है। सो यार, कहते हैं कि लंबी छलांग लगाने के लिए दो कदम पीछे हटना पड़ता है। कुछ ऐसा ही आमिर खान ने भी किया है। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया है, क्योंकि अपनी फिल्मों को एनालिसिस किया है, अपनी आज की जनरेशन को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड है, क्यों वो सिनेमा घरों के अंदर आना चाहते हैं, उस हिसाब से उन्होंने पूरी स्टोरियों को एनालिसिस करके कुछ फिल्में साइन की है। उन्होंने कुछ टाइम के लिए यार सिनेमा से गाइज यहाँ पर छुट्टी ली थी। इसका मतलब ये नहीं कि यार उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, वो अपने प्रोजेक्ट पर गाइज काफी डिटेल में काम कर रहे थे, बस हाँ हम लोगों को कुछ पता नहीं था। आमिर खान बड़ा धमाका करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मिस्टर खान बड़े पर्दे पर ब्रेक लेने के बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट में गाइस काफी सोच समझने के बाद ही उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को चुना है। सो यार, आमिर खान के फैंस हो या इंडस्ट्री का कोई भी बंदा हो, सभी को पता है कि यार आमिर खान की जो वापसी होगी तो वो देखने वाला नज़ारा होगा। सच में जिस तरह की उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस के ऊपर चलती है, वो एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आमिर खान की कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। पहले नंबर पर आती है दोस्तों सितारे जमी पर। दोस्तों, इस माना जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम चालू है। ये मूवी गाइज हो सकता है क्रिसमस के मौके पर 2024 में ही हमें देखने को मिल जाए। और दोस्तों, इस फिल्म में आमिर खान के साथ जेलेनिया डिसूजा भी नजर आएगी। नंबर दो पर आती है महाभारत। गाइज, महाभारत में माना जा रहा है कि आमिर खान भगवान श्री कृष्ण के रोल को प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये एक मेगा बिग बजट मूवी होने वाली है और इस फिल्म में आमिर खान पैसा भी लगाएंगे, मतलब प्रोड्यूस भी करेंगे। अभी इस फिल्म को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना इसकी स्टार कास्ट को लेके, ना इसकी रिलीजिंग डेट को लेके, लेकिन आमिर खान कई मर्तबा इस फिल्म का जिक्र कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज में। तो माना जा रहा है कि आमिर खान देर सवेर इस फिल्म में नजर आएंगे ही आएंगे। थर्ड नंबर पर आती है आमिर खान की लाहौर 1947। वैसे तो दोस्तों, इस फिल्म में मेन लीड हैं सनी देओल और सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे आमिर खान। सो दोस्तों, आमिर खान का इस फिल्म के अंदर एक्सटेंडेड केमियो होने वाला है और अपना रोल काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आमिर खान एक शायर के रोल में नजर आएंगे, जो कि काफ़ी धमाकेदार और मज़ेदार होगा। कहानी में काफी ट्विस्ट लेकर आएगा उनका कैरेक्टर। दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग भी रेप अप हो चुकी है और ये मूवी भी 2024 में ही देखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर पर आती है दोस्तों आमिर खान और जूनियर एनटीआर की अनटाइटल मूवी। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, यहाँ पर आमिर खान एक बिग पेन इंडिया मूवी प्लानिंग कर रहे हैं और आमिर खान के साथ इस फिल्म में चर्चा है कि साउथ के मेगा स्टार, तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इस फिल्म में नजर आएंगे। जूनियर एनटीआर होंगे इस फिल्म में, तो यार आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा ही। और क्या पता गाइज, ये एक आमिर खान की एंटी हीरो वाली मूवी हो सकती है, तो दोस्तों इसमें दोनों अपोजिट भी दिखाई दे सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आती है आमिर खान की टाइम मशीन। दोस्तों, इस फिल्म की चर्चाएं कितने ही सालों से हो रही है, लेकिन गाइज 2024 में आमिर खान ने स्टेटमेंट में बोला भी था कि वो टाइम मशीन फिल्म बनाएंगे। और दोस्तों, लंबे समय से ये फिल्म यार एक चर्चा का विषय बनी हुई है। सो यार, आमिर खान की अपकमिंग मूवी लिस्ट में टाइम मशीन का नाम भी शामिल है। सो दोस्तों, यकीनन इस फिल्म के ऊपर वो जल्दी से जल्दी ही वक्त निकाल के गाइस शूटिंग स्टार्ट करना चाहेंगे। उनके पास एक बढ़िया स्टोरी भी है। वैसे गाइस, टाइम मशीन के लिए फैंस को और हम सभी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म को गाइस अभी फ्लोर पर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और लगभग 2026 या 27 से पहले ये मूवी हमें दिखाई नहीं दे सकती। सो दोस्तों, ये था यार आमिर खान के आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट को रिलेटेड अपडेट वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।